सही बन गया, करो शुरुआत करो जी। जी मेरे पापा जी कजोड़मल जी और गांव टोली द्वारा थाना गाजी थाना गाजी जिला अलवर 3 महीने हमने इनको प्राइवेट और SMS हॉस्पिटल रखा था जयपुर में, लेकिन बिल्कुल भी आराम नहीं था, सिर्फ आंख खोलते थे। आंख खोलने के बाद फिर ये सर से मेरी मुलाकात हुई और डॉक्टरों ने क्या कहा था आपको, भाई घर ले जाओ? हाँ बिल्कुल आराम नहीं हो रहा, देखिए बचेंगे नहीं। कितने पैसे लगाए थे आपने? लगभग 10 लाख के लगभग। 10 लाख रुपए 1.5 महीना तक ये आइस में रहते प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो डेली कितने पैसे जमा होते आपके? डेली लगभग लगा लो 35,000। 35,000 रुपए डेली 9 बजे के अकाउंट में जमा होते थे जब इनका इलाज चलता था, और करीब 2-2.5 महीने हॉस्पिटल में रहे। उसके बाद में आगे बोलो आपको, बाद बिल्कुल आराम नहीं आएगा। फिर हम यहाँ लेके आए, सबसे आपसे मुलाकात हुई। जी मुलाकात के बाद हम ये 3 दवाई डाली। और कौन सी दवाई थी? तो ये इम्यूनोडॉक, ये तो SVKS के इम्यूनोडॉक है, और ये है कार्डियोडॉक, ये कार्डियोडॉक, और एक नोनी, एक नोनी है, और एक पीने के लिए पन तुलसी का पानी चलाया गया था। ये 4 दवाई में चालू। फिर अब उस टाइम में करीब 3-4 महीने पहले आए थे, इनके बिल्कुल भी नहीं देखा, बिल्कुल नहीं। वक्त आंख खोलते थे। अब क्या स्थिति है बताओ? अब देखो आपके सामने जो स्थिति है, अब की स्थिति आपके सामने है, मैं करीब अभियान बोल रहा हूँ। आप बोलो, इनकी जो स्थिति है आपके सामने है, पहले सिर्फ आंख खोलते थे, फिर धीरे धीरे गर्दन ही लाना शुरू किया, बाद में ये जो हाथ है और पैर भी शुरू किया, हाथ उठाने पर, और ये वाला पैर भाई पैरों से लिया, ये पैर बिल्कुल भी सुन था, और अब चल रहा है, और हमें इसको आप चलाते भी हैं, हर कल से पैर भी उठाते हैं, तो शायद मेरे पास है कि ये इनको पूरा रिलीफ मिल जाएगा, पूरा फायदा मिल जाएगा। तो आप इस कंपनी के प्रति क्या कहेंगे भाई, अच्छी दवाइयां हैं? नहीं बिल्कुल बहुत अच्छी, मैं तो ये कहूँगा और भी लोग दवाई लें, उनको फायदा मिले, तो ये बहुत अच्छी दवाई है। तो ये किसी तरह फोटो खराब होगी तो छोड़ दो, फोटो सही आप यहाँ होगी, फिर चल आइया कौन चाल था फोटो वीडियो बनाओ, वीडियो वीडियो हिसाब से सब तरफ भी बेचारा बना था, अब वो वीडियो तो फिर खराब होगा, दूसरे सही कौन हुआ दवाई और चलेगी सही बात है। मजाक कर रहे थे ले रहा हूँ, शाम को ये आदमी था पैंट छोड़ फिर वीडियो गलत फिर का मतलब थोड़ा रख पकड़ थोड़ा पकड़।